मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे का पहला जनता दरबार। नागपुर महानगर पालिका के नवनिर्वाचित आयुक्त तुकाराम मुंडे इन्होंने पदभार संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। आयुक्त ने मंगलवार को ही अपना कामकाज संभाला। पहले ही दिन अधिकारियों की बैठक लेकर कामकाज की जानकारी ली और दूसरे ही दिन सीधे जनता दरबार से जनता से संवाद साधते हुए समस्या जान ली। आयुक्त के जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग आए थे। आयुक्त के इस जनता दरबार में जनता की संख्या इसलिए उल्लेखनीय है कि पहले से ही महापौर संदीप जोशी के जनता दरबार चल रहे हैं। इसके बावजूद आयुक्त के जनता दरबार में जनता की बड़ी संख्या थी। नए आयुक्त से मिलकर आए लोगों ने बताया कि ऐसे ही अधिकारी की जरूरत थी। हमारे नरेंद्र नगर की समस्या थी, रेडिसन होटल के पास में एक नागपुर में ओवर ब्रिज है, वहाँ पर कई दिनों से कई सालों से मिट्टी पड़ी हुई है, उसको उठाने के लिए साहब ने तुरंत उसका ऑर्डर दिया और एक एमएससीबी का काम था। नरेंद्र नगर अंडर ब्रिज से नरेंद्र नगर चौक तक 5 साल से लाइट बंद है। कोई कर्मचारी को हम लोगों ने कई कंप्लेंट करी लेकिन उस पर कोई ये नहीं हुआ। आज हम साहब ने हमको बुलाया कि हम 7 दिन के अंदर में आपका काम करके देंगे, इसलिए हम बहुत समाधानी है। और नागपुर में ऐसा ही कड़क आदमी चाहिए जब नागपुर का अनुशासन अच्छा रहेगा और ट्रैफिक की समस्या भी दूर हो। मैं सदन यादव, सचिव नागपुर शहर जिल्हा काँग्रेस कमेटी। आज आम्ही नरेंद्रनगर मधून या ठिकाणी सदन यादव आणि बाकी आमचे श्रीराम सर्वोदय वगैरे हे जे आहे सीनियर सिटीजन सगळे आम्ही आलो। नागपूर शहरामध्ये रेडिसन पुलापासून तर नरेंद्रनगर पुलापर्यंत ब्रिज रिंग रोडपर्यंतचा जो ब्रिज आहे त्या ब्रिजवर खूप मोठ्या प्रमाणावरती माती साचलेली होती रेडिसनपासून पूल चढताना। त्या ठिकाणी बरेचसे टू व्हीलर्सवाले घसरून पडायचे, त्याच्यामुळे अपघात झाले, कितीतरी त्या ठिकाणी माझी मुलगी पण पडली। या संबंधामध्ये आम्ही ती समस्या आज घेऊन आलो, त्यांना सांगितलं की कोणत्याही कोणीही आजपर्यंत त्या ठिकाणी अनेक महिन्यापासून साचलेली माती उचलली नव्हती, त्यामुळे अपघात झाले। अनेक म्हातारे लहान मुलं कॉलेजला याला जाणारे नोकरी पेशा वर्ग या सगळ्यांचा विषय होता, तो विषय आम्ही ठेवला, त्यांनी तो सॉल्व करण्याचा आम्हाला पूर्ण आश्वस्त केलं। दुसरी गोष्ट, नरेंद्रनगर अंडरब्रिज ते सिग्नलपर्यंतचा जो रिंग रोड आहे तिथे लाईट बऱ्याच महिन्यापासून बंद आहे, गेल्या अनेक वर्षापासून। त्याच्याकरता त्यांनी ताबडतोब इलेक्ट्रिकल इंजिनियरला फोन केला आणि मला किती दिवसात चालू करून देता याच्याबद्दल त्यांनी विचारलं। त्यांनी सांगितलं की 7 दिवसात करून देतो, त्याबद्दल ते आम्ही समाधानी आहे। ताबडतोब आमच्या समस्या त्यांनी ऐकल्या, जाणल्या, व्यवस्थित जाणून घेतल्या आणि व्यवस्थित सोडवण्याबद्दल त्यांनी आश्वस्त केलं। याबद्दल सर, आणि असे जर अधिकारी असले तर कुठल्याही प्रकारची समस्या येणारच नाही। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोडके साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।